अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर, आप देख रहे हैं यूबी टेक। जस्ट इस वीडियो में बात करें मालूम क्यू मोबाइल के नए फ़ोन के बारे में जो कि क्यू मोबाइल S15 है। इस वीडियो में कि मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करूंगा, बात करूंगा स्पेक्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, क्या अच्छी चीज़ें उनके बारे में, क्या बुरी चीज़ें उनके बारे में, और क्या ये फ़ोन आपको परचेज करना चाहिए या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बात है, ये कि रिव्यू वीडियो नहीं है बल्कि एक ओपिनियन वीडियो है जिसके अंदर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इसी के साथ साथ दूसरी बात ये कि मेरा व्लॉगिंग का चैनल है उमैर बाबर व्लॉग्स के नाम से। अगर आपको व्लॉगिंग पसंद है आप एक दफ़ा चेक कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं तो रहने दें। मैं लिंक यहाँ पर दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। अब हम वापस फ़ोन की तरफ आते हैं तो क्यू मोबाइल S15 एक सस्ता नया फ़ोन है क्यू मोबाइल की तरफ से। इसकी स्पेक्स देखें तो आपको 5.2 इंच की डिस्प्ले मिलेगी जो कि 720 है। बैक पे आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, फ्रंट पे आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। 3 GB की रैम मिलेगी, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। बैक पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी अवेलेबल है और 4G डिवाइस भी है ये। इसी के साथ मीडिया टेक का प्रोसेसर मिलेगा। आप कहीं पर लिखे कि 1.3 GHz है, कहीं पर लिखे 1.4 GHz है, तो समझ लें 1.3 या 1.4 GHz प्रोसेसर है लेकिन मीडिया टेक का। 3000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और प्राइस की बात करें तो ये डिवाइस आपको मिलेगी 14,000 रुपये में। अब डिज़ाइन की बात करें तो सबसे ऊपर आपको कैमरा, ईयरपीस, सेंसर मिल जाएंगे, फिर 5.2 इंच की डिस्प्ले मिल जाएगी, टच कैपेसिटी बटन मिलेंगे जो कि फिजिकल टच कैपेसिटी बटन है। बैक पे आपको कैमरा मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगी, फ्लैश मिलेगी और क्यू मोबाइल की ब्रांडिंग मिल जाएगी। ओवरऑल देखा जाए तो डिज़ाइन पुराना रखा गया जो कि 16:9 है, लेकिन इस प्राइस रेंज के अंदर अभी ऐसा कोई डिज़ाइन 18:9 आया भी नहीं है, तो ठीक है इस डिज़ाइन के साथ ये डिवाइस एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब बात करें क्या अच्छी चीज़ है उनके बारे में। अच्छी चीज़ों में एक चीज़ अच्छी है इस डिवाइस की, आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है इस प्राइस के अंदर, आपको 4G LTE डिवाइस मिल रही है इस प्राइस के अंदर, तो ये चीज़ अच्छी है। साथ साथ आपको 3 GB की रैम मिल रही है, ये पॉइंट पर अच्छा। डिस्प्ले बस ठीक है, नॉर्मल सा डिस्प्ले रखा गया है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें इस प्राइस रेंज के अंदर मिली है तो ये एक अच्छी बात है। और डिज़ाइन भी फ़ोन का ओवरऑल देखा जाए प्राइस के मुताबिक तो ठीक है। अब बुरी चीज़ों की तरफ आए तो मीडियाटेक का प्रोसेसर बहुत ही बकवास प्रोसेसर रखा गया है। स्नैपड्रैगन के लो एंड प्रोसेसर है, क्यू मोबाइल उनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो लो एंड में रहते हुए आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मीडियाटेक का प्रोसेसर यूज़ किया गया है। प्रोसेसर इस डिवाइस के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल देखा जाए तो मोबाइल बिल्कुल बेसिक सा, सिंपल सा, अगर आप मोबाइल को लो एंड में परचेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आप और भी मार्केट में ऑप्शंस देख लें, आपको और ऑप्शंस भी मिल जाएगी जिसमें शॉमी के फ़ोन्स काफ़ी बेहतर परफॉर्म करें इसके। लेकिन शॉमी के अगर लो एंड फ़ोन देखें तो उनमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा काफ़ी फ़ोन में इस प्राइस रेंज के, तो इसकी अच्छी बात यह इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल रहा है। तो मेरा ख्याल है अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं, लेकिन आप इससे हाई एंड परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें, यह आपको बिल्कुल एवरेज सी परफॉर्मेंस देगा। और 16 GB यहाँ पर एक है नेगेटिव पॉइंट, मेरे ख्याल 32 GB होनी चाहिए थी। बस यही था इस वीडियो में, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आई डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्यों नहीं पसंद आई। मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।